हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जाता है। आपके कंप्यूटर में से आप खुद ही इस वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, पहले जानना जरूरी है कि इसकी ज़रूरत क्या है, कि बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने आप घर में लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, या फिर वर्किंग प्लेस में कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो वो अपने कंप्यूटर में हमेशा ही जीमेल या फेसबुक या फिर बहुत सारे सोशल साइट्स हैं जो ऑन रखते हैं, ओपन रखते हैं। तो दोस्तों, उस लैपटॉप या कंप्यूटर में अपने दोस्त या कोई दूसरा लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं उस वेबसाइट को, या फिर अपने जीमेल से कुछ ऐसा कोई मेल इलीगल मेल भेज सकते हैं किसी को, या थ्रेटिंग मेल भेज सकते हैं जिससे कि आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। कोई आपका दुश्मन हुआ, एनिमीज हुआ, ये ऐसा काम कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आपका जो ये ईमेल है या फिर लैपटॉप में आप जो सोशल साइट्स हैं वो हमेशा ऑन रखते हैं, तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं तब तक जब तक आप उसका इस्तेमाल ना कर रहे हो। या फिर मान लीजिए कि आप अपने इच्छा अनुसार या आपके इच्छा अनुसार आप चाहे तो उस वक्त के लिए ब्लॉक कर सकते हैं जब आपके इस लैपटॉप या कंप्यूटर को, कंप्यूटर के साथ आप नहीं है, कोई दूसरा पर्सन यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको वो प्रोसेस दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप माई कंप्यूटर या डिस्क पीसी में जाइए। इसमें से आप देख पाइएगा कि सी ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में जाइएगा तो विंडोज़ फोल्डर में क्लिक कीजिए। विंडोज़ फोल्डर में क्लिक करने के बाद आप इधर में सिस्टम 32 में आइएगा। सिस्टम 32 फोल्डर जो है इसमें आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों, इधर में ड्राइवर बोल के एक फोल्डर आएगा, ड्राइवर फोल्डर में आप क्लिक कीजिए। ड्राइवर फोल्डर में क्लिक करने के बाद आप इधर में ETC फोल्डर में क्लिक कीजिए। ETC फोल्डर में क्लिक करने के बाद आप होस्ट दिखाई दे रहा है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप कहीं पर भी पेस्ट कर दीजिए उसको एडिट करने के लिए। तो मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट में मैंने पेस्ट कर दिया इसको, तो पेस्ट करने के बाद आप इसको ओपन कीजिए नोटपैड में। नोटपैड में ओपन करने के बाद आप इधर में देखिए दोस्तों, जैसे कि ये दोस्तों मैंने www.yahoo.com को ऑलरेडी ब्लॉक करके रखा है। तो www.yahoo.com को ब्लॉक करने के बाद दोस्तों, मैं मान लीजिए कि कोई दूसरा वेबसाइट जो है उसे ब्लॉक करके रखता हूँ। तो दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, मैं www.facebook को ब्लॉक कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने फेसबुक को ब्लॉक कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेव करूँगा। तो एक कंट्रोल एक्स करके मैं सेव कर लेता हूँ इसको। सेव हो गया है दोस्तों, अब इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं फिर से पिछले फोल्डर में जाऊँगा, ETC फोल्डर में। इधर में मैं क्या करूँगा, होस्ट जो मेरा ऑलरेडी है उसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, होस्ट वन कर देता हूँ। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू करके सेव कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। सेव हो गया दोस्तों, तो अभी मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ जो पिछला वाला मेरा होस्ट था जिसमें मैंने एडिट किया था। कंटिन्यू करता हूँ, तो ये सेव हो गया। तो दोस्तों, अभी मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो ये फेसबुक साइट है ये ओपन हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, इधर मैं चेक कर लेता हूँ www.facebook। दोस्तों, चेक करते हैं कि फेसबुक ओपन होता है या नहीं। देखिए दोस्तों, इधर में दिखा रहा है कि अनेबल टू कनेक्ट। ओके दोस्तों, तो अभी मैं इसको क्रॉस करता हूं। अभी दोस्तों, मुझे ये फिर से मेरे फेसबुक के yahoo.com को मुझे इधर में देखना है। तो एक बार देख लेते हैं कि yahoo.com ओपन हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, देखिए yahoo.com भी, देखिए दोस्तों yahoo.com भी ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अभी मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि मैं अपने फेसबुक में लॉगिन करके रखा है, तो मैं फेसबुक को आपके सामने इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। मैं याहू को दिखाऊंगा कि याहू को मैं कैसे ऑन करूंगा उधर में से, मैं www.yahoo.com को डिलीट करने के बाद। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों मैं फिर से उस फोल्डर में जाऊँगा जहाँ पर मैंने एडिट किया था। ETC फोल्डर में गया, मैंने इधर में एडिट किया था। तो मैं दोस्तों एक काम करूंगा, डॉक्यूमेंट्स में मेरा ऑलरेडी सेव किया हुआ है, इसको मैं एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद मैं नोटपैड में जाऊंगा, ओके करूंगा। ओके करने के बाद मैं yahoo.com को डिलीट कर देता हूं।
मैं yahoo.com को ऑलरेडी डिलीट कर दिया और उसके साथ इसको भी डिलीट कर दिया, करना ज़रूरी है दोस्तों। 127.0.0.1 जो है ये वो कोड है जो आपके वेबसाइट को डिलीट करता है, वेबसाइट को सॉरी ब्लॉक करता है, तो आपके कंप्यूटर में ये वेबसाइट ओपन नहीं होंगे। तो दोस्तों ये इसलिए ये 127.0.0.1 को भी आप डिलीट कर दीजिए और साथ में लिखे हुए वेबसाइट को भी डिलीट कर दीजिए, तो फिर आप अपने पीसी में इसे ऑन कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं इसको करता हूँ फिर से सेव, सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं फिर से पिछले फोल्डर में जाता हूँ, जाने के बाद मैं इधर में सेव करने से पहले मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, टू कर देता हूँ। करने के बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, यस करके सेव कर लेता हूँ। अब ये वन एंड टू आ गया, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। डिलीट करने के बाद कंटिन्यू, डिलीट हो चुका है दोस्तों, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरा ये सेव हो चुका है, अभी आप चेक कीजिएगा। अभी मैं इधर में याहू ओपन करने की कोशिश करता हूँ, याहू मैं ओपन करता हूँ, देखिए दोस्तों याहू ओपन हो चुका है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रोसेस था, इस प्रोसेस में आप हमेशा आप अपने कंप्यूटर को बहुत ही सिक्योर रख सकते हैं, आपके कंप्यूटर को कोई भी कोई गलत या इलीगल साइट ओपन करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते और आप गवर्नमेंट के नज़र में भी नहीं आएंगे, गवर्नमेंट आईटी के नज़र में भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रोसेस है, आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखा पाया। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी कमेंट करना है या कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कृपया करके प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद, अलविदा।